सबसे पहले एक छोटी सी बात, अभी तक जो इस पेज को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो मैं राजीव रंजन फिर से आज अपने चैनल पे एक नया वीडियो लेकर, और इस वीडियो का टॉपिक है आज इथिक्स इज द वे ऑफ सक्सेस इन MLM। अब मैं बताना ये चाहूंगा कि एक समय था हमारे जीवन में कि जब मनुष्य की पहचान उसके इथिक्स और उसके नैतिक्स और उसके विचार से हुआ करता था और उसे सम्मान मिला करता था। और आज एक समय है कि आज जितने भी लोग हैं उन्हें इथिक्स से कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार की नैतिकता नाम की तो चीज ही नहीं रह गई है। क्योंकि आज के दौर में एक इंसान को जिस भी तरीके से अपने लाइफ के अंदर में सक्सेस चाहिए उसके लिए नैतिक्स मैटर नहीं करता। बहुत रेयर इंसान बच गए इस पृथ्वी पे जिसको नैतिक्स मैटर करता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि इथिक्स का होना कितना जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। सबसे पहली पॉइंट पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसको एकदम सिंपल पॉइंट बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। अब इस टॉपिक के अंदर में बहुत सारी चीजें आती हैं। बहुत सारा चीज ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आप कितना रेस्पेक्ट करते हैं अपने अपलाइन को, आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में कितना रेस्पेक्ट करते हैं अपने डाउनलाइन को, या तीसरा बात यह हो सकता है कि आप दोनों में से कोई किसी को कितना रेस्पेक्ट करता है। होता क्या है, एज ए अपलाइन मैं पहले बात करता हूं कि अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में इथिक्स की बात करते हैं, हर किसी से करते हैं, और आप उम्मीद क्या करते हैं कि जो भी मेरे नीचे में या जो भी मेरे डाउन में या जो भी मेरे सिस्टम में आए वो मुझे इज्जत करे, रेस्पेक्ट करे। और सेम कंडीशन होता है डाउनलाइन के साथ कि डाउनलाइन भी इस चीज को फॉलो तो करता है, डाउनलाइन भी इस चीज को सुनता है, समझता है, लेकिन करता नहीं है। वो क्या करता है, वो भी इस चीज को पास आउट करता है अपने डाउनलाइन पे। और इससे होता क्या है कि लोग हर किसी से उम्मीद करते हैं कि वो मुझे रेस्पेक्ट करे, वो मुझे इज्जत करे, लेकिन खुद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये नहीं देख पाते, आकलन नहीं कर पाते। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बता रहा हूं कि इथिक्स को जरूर फॉलो करिए। क्यों, ये इथिक्स को जरूर फॉलो करने की बात जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जब आप रेस्पेक्ट की भावना लाएंगे और सामने वाला रेस्पेक्ट की भावना लेकर आएगा तो दोनों के बीच का म्यूचुअल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगा। आपको अगर नहीं विश्वास है तो एक एग्जांपल के तौर पर अपने लाइफ के अंदर में यूज करके देखिए। जो बंदा आपका बहुत फास्ट फ्रेंड हुआ करता है, जो बंदा आपसे बहुत करीब हुआ करता है, उसके बात करने का तौर तरीका हमेशा तुम ताम करके होता है। आप एक बार जाइए और विश्वास मानिए, आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को जाकर एक बार अमल करिए। आप जाइए और जाकर उस दोस्त को बोलिए आप कैसे हो, वो जब सुनेगा तो उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि भाई हुआ क्या है तेरे को, जो इंसान पर डे हमसे तुम ताम करके बात करता था वो आज बोल रहा है आप कैसे हैं, आप खाना खाए, आप ये किए, आप वो किए। आप अपने जिंदगी के हर एक बातों में आपका प्रयोग कर दें, देखिएगा आने वाले दिनों में हर एक वो लोग आपके लिए भी आपका प्रयोग करेगा, वो तुम हट जाएगा। और अगर ये शुरुआत आप दूसरे से उम्मीद करते हैं कि दूसरा कोई करेगा तो नहीं साहब, शुरुआत आपको करना होगा। और आप शुरुआत करेंगे तो देखिएगा कि आने वाले दिनों में आपको उस तरीके की इज्जत और उस तरीके की इथिक्स आपके टीम में, आपके सिस्टम में हर लोग फॉलो कर रहा होगा। दूसरी बात, ऑलवेज फॉलो द राइट ट्रैक ऑफ सिस्टम, ऑलवेज फॉलो द राइट ट्रैक ऑफ सिस्टम। ये एक लाइन बहुत छोटा है लेकिन इसमें पूरा सिस्टम आ जाता है। अब पूरा सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं, छोटी छोटी बातें करूंगा, एज ए नेटवर्कर आपके सामने छोटी छोटी बातें करूंगा। देखिए होता क्या है कि हम इथिक्स की बात करते हैं हर चीजों में, और नेटवर्क मार्केटिंग में इथिक्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मच मोर इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, आज से 2014 के पहले की बात कर रहा हूं, 2014 के पहले के जितने भी नेटवर्कर हैं, आप अगर उनका अच्छा इथिक्स से काम किया गया है और उन्होंने अच्छे से इथिक्स से काम किया अपने टीम के अंदर में, आप उनका नेटवर्क साइज पूछेंगे तो 1,50,000, 2,00,000, 2.5 लाख, 3 लाख। क्यों, क्योंकि उस टाइम में इथिक्स का बहुत ज्यादा वैल्यू था, बहुत ज्यादा इथिक्स लोग फॉलो करते थे, जिस वजह से उनका नेटवर्क बना। विश्वास मानिए कि आज जब ये जाकर आप पता करेंगे, आज ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूं ये जाकर आप पता करेंगे कि क्या 2014 के बाद कि जितने भी नेटवर्कर आए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, क्या वो 1,00,000 और 2,00,000 और 4,00,000 की टीम बनाना नहीं चाहते थे या बन नहीं पाया? तो इसका जवाब ये आएगा कि वो बनाना तो चाहते थे लेकिन बन इसलिए नहीं पाया क्योंकि इथिक्स को सिर्फ उन्होंने मुंह पे रखा, इथिक्स को टीम में शेयर नहीं किया। जिस वजह से आज आप इस चीज को गौर करिए और इथिक्स का
पीछे जाना व जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ है पैसा। आज नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के बीच में होड़ बन गया है कि मुझे पैसे कमाने हैं, शोहरत कमाने हैं, मुझे गाड़ियां खरीदनी है, बंगले खरीदने हैं, और उसके पीछे भाग रहे हैं लोग। और उसकी वजह से कई जगहों में कई तरीके से लोग इथिक्स को तोड़ देते हैं। आज आप देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जब तक इथिक्स पे नहीं आएगा तब तक नेटवर्क मार्केटिंग में लिख के लीजिए जो इतिहास 2014 से पहले रचा गया वो दोबारा नहीं रचा जाएगा, और वो सिस्टम हमेशा भागदौड़ वाली रेस वाली सिस्टम रहेगी। आप इस कंपनी में आएंगे, अपने टीम को उठा के लाएंगे और कुछ चंद पैसे कमाएंगे, और फिर यहां के बाद से दूसरी कंपनी की प्लानिंग करेंगे, वहां जाएंगे, वहां कुछ लोगों के साथ ज्वाइन करेंगे, फिर कुछ पैसे कमाएंगे, फिर तीसरी कंपनी की प्लानिंग करेंगे। और साहब, नेटवर्क मार्केटिंग इसको नहीं कहते। नेटवर्क मार्केटिंग एक स्टेबल बिजनेस है, और वह स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इथिक्स से आ सकता है, और इथिक्स आपसे शुरुआत होता है, सिर्फ आपसे शुरुआत होता है। एथिक्स कभी भी टीम से शुरुआत नहीं होता। याद रखिएगा कि एथिक्स हमेशा ऊपर से फॉलो होकर नीचे आता है, नीचे से फॉलो होकर ऊपर नहीं जाता। और आज सुधरने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को। अगर हमने ठान लिया कि हम एथिक्स के साथ बिजनेस करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी हो जाए हमारे पास सक्सेस आएगा, मुझे मालूम है, विश्वास है, मैं धैर्य रख के काम करूंगा और एथिक्स के साथ करूंगा, तो आने वाले दिनों में सक्सेस मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता, और मैं बेहतरीन बन के दिखाऊंगा एथिक्स के मामले में। और कल के दिन में मुझे अफसोस नहीं होगा कि मेरी टीम के अंदर में इथिक्स नहीं है। टीम के अंदर में इथिक्स आएगी, और इथिक्स की वजह से टीम का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। और यह कहने की जरूरत नहीं होगी कि मेरा टीम आज अच्छा है या खराब, वो ऑलरेडी अच्छा बन जाएगा। और इसी के साथ आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इथिक्स की बात, और इसके साथ कीप ग्रोइंग विद फुल एफर्ट, बी ऑन द टॉप। थैंक यू सो मच।